नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर हस्त मैथुन से क्या होता है। देखिए इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से पहले ही बता चुका हूँ और आज मैं इसका उत्तर वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। काफ़ी फनी सा वीडियो है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो इसलिए अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती है। मेरे सब्सक्राइबर मित्र ने पूछा कि हस्त मैथुन से क्या होता है। देखिए हस्त मैथुन से बहुत कुछ होता है। हस्त मैथुन अगर आप करते हैं, जब आप करना शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगता है। जब आप इसको करते रहोगे तो थोड़ी देर के बाद में और आनंद आने लगेगा। आप धीरे धीरे कर रहे हो तो ज़्यादा देर तक आनंद आएगा, और अगर जल्दी कर रहे हो तो जल्दी आनंद ख़त्म हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको एकदम से स्वर्ग की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, आप सारा कुछ भूल जाएंगे, आपका ऑर्गाजम हो जाएगा। तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया की सारी चीज़ें बेकार है, ये जो काम है यही अच्छा है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, इसमें ना तो किसी पार्टनर की आवश्यकता है और ना ही इससे किसी को कोई आपत्ति हो सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही आनंददायक चीज़ है, लेकिन इससे क्या नुकसान है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब हस्तमैथुन करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होता है जान लीजिए। जब हस्तमैथुन करते हैं आप तो क्या होता है, वीर्य निकलता है। जब वीर्य निकलता है तो और वीर्य बनता है, दोबारा बन जाता है कुछ ही समय में। शुक्राणु जो निकल जाता है, नए शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। जो क्वालिटी थी उससे भी अच्छी क्वालिटी का शुक्राणु बनने लगती है। लेकिन अगर आप जो शुक्राणु की बनने की स्पीड है उससे पहले पहले आप निकलते रहोगे तो क्या होगा, शुक्राणु उतना बन नहीं पाएगा, वीर्य उतना नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी आने लगेगी, आपका बॉडी कमज़ोर हो जाएगा, आपका जो अंग है वो कमज़ोर हो जाएगा, उसमें पतलापन आ जाएगा, टेढ़ापन आ जाएगा, वीर्य पतला हो जाएगा, शीघ्र पतन की शिकायत होगी आपको और बार बार आपको ये काम करने की इच्छा होगी, तो इससे आप बर्बाद हो सकते हो। अगर कंट्रोल में रह के करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये एक ऐसी लत है जिसको करने के बाद आप भूल जाते हो, सोचते हो कि बस एक बार हो जाए उसके बाद नहीं करूँगा, लेकिन आप करते हो फिर से और करने के बाद में दोबारा आपको गलती का एहसास होता है, लेकिन आप मजबूर हो जाते हो क्योंकि इससे आपका वीर्य भी पतला हो जाता है और वो आपको प्रेरित करता है हस्तमैथुन करने के लिए। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर आपको इसकी लत लग गई है, मान लीजिए आप शादीशुदा है, पत्नी आपके बराबर में है, फिर भी आपको ये काम करने की इच्छा होती है, तो ये काम बहुत ही गंदा है। अगर आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा करके आप अपना इलाज कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आपके इलाके में जो भी होम्योपैथी के प्रशिक्षित डॉक्टर है उनसे सलाह लेके, उनसे मिल करके आप इसका समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों हस्त मैथुन एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बुरी चीज़ है। इसको कंट्रोल में रह करके करने से आपको बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन कंट्रोल होता नहीं, इसलिए बहुत बुरी चीज़ है। इसको आप भूल कर भी कभी नहीं करें, किसी के कहने पे नहीं करें, इसको हमेशा इस दृष्टि से देखें कि ये एक बुरा काम है, इसको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे सब्सक्राइबर का जो प्रश्न था कि हस्त मैथुन करने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। शायद आपके मन में जो भी प्रश्न था
वो क्लियर हो गया होगा। और इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न आपको पूछना है तो वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप प्रश्न पूछें, बीच में स्किप करके आप क्वेश्चन ना पूछें। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चाहो तो शेयर कर देना दोस्तों में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको दोस्तों को शेयर करना चाहिए। और अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, क्योंकि मेरे चैनल पर यूज़फुल और बहुत ही अच्छे वीडियोस, अच्छी जानकारी आती रहती है। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।